तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी क्या हमारी दुनिया को ख़त्म करने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत प्रूफ मिले मेरे को जिसके बारे में अभी आज ये वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मैं। तो ये वीडियो बनाना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मकसद था, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में होने वाला है ऑलरेडी, और इसके अंदर मैंने ये वीडियो कभी ज़िंदगी में मेरे किसी और चैनल पर नहीं बनाया। तो मैं बोला कि मैं ये पहले आप लोग को बता दूँ कि हमारी फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में आप लोग को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप बच सकते हो। तो मैं ये सब वीडियो इसमें बताऊंगा। मुझे बहुत जन ने बोले ये टॉपिक नहीं बोल रहे, मगर फिर भी मैं ये टॉपिक बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। तो जैसे आपको तो मालूम रहेगा कि इस टाइम कोविड हो गया, सब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, वो चलो ठीक है वर्क फ्रॉम होम हो रहा था लेट, ठीक है वो चलता है। लेकिन क्या आपको पता है अभी ये ना गाड़ियाँ आने लगी है जो विदाउट ड्राइवर्स के चलती है, मगर जैसा आप नहीं चलाओ फिर भी गाड़ियाँ चलती है, जो ओला उबर ने ऑलरेडी बुक कर दिया वो सब गाड़ियों को इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रही है। यूएस में तो ऑलरेडी टेस्ला कर रही है, इंडिया में दूसरी कंपनीज कर रही है सस्ती वाली, जो ओला उबर में फाइनेंस करेगी, ओला ने ऑलरेडी सबको बुक कर दिया है। तो इसके अंदर क्या होएगा कि ओला के जितने भी ड्राइवर्स हैं सब बंद हो जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से उन लोग की जॉब्स चली जाएगी, सब जॉब्स खत्म हो जाएगी उन लोग की, और जो गाड़ियाँ चलाएंगे वो रोबोट्स रहेंगे, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। मतलब अभी पहले जैसे दो आगे बैठते थे तीन पीछे बैठते थे, अभी आप दो मतलब पैसेंजर मतलब जो बैठ के चलाता था उसको छोड़ के अभी वो नहीं बैठेगा वहाँ पर, आप बैठ सकते हो, आपका दोस्त बैठ सकता है, तीन पीछे मतलब पांच जन बैठ सकते, पहले चार ही बैठ सकते थे। अभी आप सोच रहे हो कि यार हमारे तो अच्छा हो गया ना हमारे लिए, लेकिन आपके लिए नहीं, ओला के कितने ड्राइवर्स हैं वो गिनो, उन लोगों को कितना नुकसान होगा। यही नहीं, कितनी सारी चीज़ें होने वाली है ऐसा टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे रेस्टोरेंट्स में वेटर्स लोग अभी रोबोट्स बनने वाले हैं, वेटर्स लोग को बंद कर रहे निकाल रहे। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि है ना अभी आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो आप 10,000-20,000 मंथली देते रहते हो बराबर, लेकिन अब ये जब रोबोट्स आ जाएंगे उन लोगों का तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैंने लाख रुपए दिया वो रोबोट आ गया वो रोबोट ही सब कर रहा है। अभी को मैंने गाड़ी लिया समझो लाख रुपए की एग्जांपल, और 1,50,000 और दे देता हूँ तो मेरे को सेल्फ ड्राइविंग कार मिलेगी जो खुद ब खुद चलेगी, मेरे को ड्राइवर की ज़रूरत है तो मैं वो लूँगा कि ये लूँगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बुरी है। अभी मैं आप लोगों को ऐसी स्टोरीज बताऊँगा जो एक बहुत बड़े टीवी शो में आता है नेटफ्लिक्स के, जिसका नाम है ब्लैक मिरर्स। अगर आपने वो टीवी शो नहीं देखे तो जाके देखो, अमेजिंग शो है। उसके अंदर बताया गया कि टेक्नोलॉजी कैसा आगे बढ़ गई है दुनिया में और उसकी वजह से हमको खतरा है। मैं आप लोग को लोग की कहानियाँ बताता हूँ। तो पहली कहानी है कि उसके अंदर बताया गया है कि हमारी पूरी दुनिया रेटिंग से चल रही है, जैसा उबर और ओला में और जोमेटो स्विगी पे कैसा हम रेटिंग्स देते हैं रेस्टोरेंट को और जो डिलीवरी देने आता है, पूरी दुनिया रेटिंग पे चल रही है। जैसा अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो आपके 5-स्टार रेटिंग होगा तो ही आपको पासपोर्ट मिलेगा, आपका 3-स्टार रेटिंग रहेगा तो ही आपको ऑफिस में जॉब मिलेगा, ऐसा सब रहता है। और रेटिंग्स कौन देगा, आप ही एक दूसरे को रेटिंग्स देते हैं, उसकी वजह से क्या आपको इफेक्ट पड़ता है, अगर आपका 1 रेटिंग है तो सीधा आपको जेल में डाल देंगे और जेल में से नहीं निकल सकते जब तक आपका 2 रेटिंग नहीं हुए, तो आपको उसके अंदर मतलब पैसे को रिप्लेस कर देगा ये रेटिंग्स है, एक शॉर्ट फॉर्म है ये। अभी एक एग्जांपल दिया है, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ चाइना में ये ऑलरेडी इम्प्लांट हो गया, चाइना में रेटिंग्स पे चल रहे वो चाइनीज ऐप्स होते हैं मालूम, जो सिर्फ चाइना में चलते हैं, उसके अंदर रेटिंग्स है जो गवर्नमेंट ट्रैक करती है और वो रेटिंग्स के हिसाब से चलता है। अभी आपको समझो लोन चाहिए 10 करोड़ का, 10 करोड़ का लोन के लिए आपको 5-स्टार होना जरूरी है, अगर आप 4-स्टार हो तो आपको 2 करोड़ का मिलेगा, 1-स्टार हो तो आपको मिलेगा ही नहीं लोन, 3-स्टार हो तो 10 लाख का लोन मिलेगा। तो वैसा लोग ने ऑलरेडी सिस्टम में इम्प्लांट कर दिए, ये चाइना में आए, अभी ये स्लो स्लो करके पूरी वर्ल्ड में तो फैल ही जाएगा। तो ये भी सच मतलब होने वाला है फ्यूचर में। अभी मैं आप लोग को और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सुन के आप खौफ में आ जाएंगे। तो उसके अंदर एक एपिसोड में बताया गया कि ड्रोन डॉग्स आ गए, ड्रोन डॉग्स ऐसे रहते हैं कि सोल्जर लोग की जगह अभी ड्रोन डॉग्स रह गए, जैसे हमारे पुलिस में ड्रोन मतलब डॉग्स रहते हैं, या तो फिर हमारे सोल्जर्स लोग के पास डॉग्स रहते हैं जो जाके चीज़ें चेक करते हैं, बॉम्ब सूंघते हैं और बॉम्ब की जानकारी देते हैं, या ड्रग्स किसी के पास रहता है तो लोग जानकारी देते हैं, तो उन लोग को रिप्लेस कर देंगे ये डॉग्स जो ड्रोन रह गए। वो ड्रोन डॉग्स क्या रहते हैं, रोबोटिक डॉग्स रहते हैं, मगर उन लोग ऐसा हो जाएगा कि हैकर्स लोग का अभी अभी आपको तो पता है मैंने आपको कैसा बोला ओला उबर वाले सब, तो सब एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे वो है टेक्नोलॉजी, सब स्टडी करने लगेंगे कोडिंग के बारे में और सब ऐप्स बनाने लगेंगे, तो उसके अंदर हैकर्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। अब हैकर्स लोग का क्या काम रहेगा कि दुनिया को ख़त्म करने, बिकॉज उन लोग की जॉब चले गए तो उन लोग एक रिवेंज लेने के हिसाब में आ जाएंगे। तो इन लोग ऐसा बताया गया है वो शो के अंदर, वो एपिसोड में स्पेसिफिक बताया गया है कि ये जो डॉग्स रहेंगे ड्रोन डॉग्स, उन लोगों को हैक कर दिया जाएगा टेररिस्ट और दूसरे लोगों को, और लोग उसके अंदर कुछ और चीज़ डाल देंगे जो हमें अटैक करेगा,
हमें बचाना चाहिए वो डॉग्स को, मगर वो हमें अटैक करेगा और पूरे हमें अटैक करके पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वो डॉग्स इतने मतलब इतने ऊपर हो जाएंगे कि जिन लोग कंट्रोल करना चाहते हैं उन लोग को भी लोग खा जाएंगे। और ये ड्रोन डॉग्स अगर मैं आप लोग को बोलूँ, आप गूगल सर्च करेंगे तो ऑलरेडी बनना चालू हो गए फॉरेन कंट्रीज में। इसके प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी कितने सालों से बन के रेडी है, 3-4 सालों से, और ये पब्लिक को बता दिया, पब्लिक ही इन्वेस्ट कर रही है इसके अंदर कि हम लोग को ड्रोन डॉग्स चाहिए। ड्रोन डॉग्स हमें और सेफ रखेगा, सेफ नहीं रखेगा भाई, ये हमें और ख़त्म कर देगा, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म कर सकता है। इन लोग के पास इतनी पावर रहेगी क्योंकि रोबोट्स है, इन लोग में जो ब्रेन है वो तो नहीं रहता है, सब चिप रहता है, और चिप कौन बनाता है? ह्यूमन, और ह्यूमन में हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता ही है प्रॉब्लम, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है द स्टेज, उसके अंदर एक एपिसोड है, उसके अंदर बताया गया है कि स्टेज होता है, अभी जैसे स्टेज परफॉर्मेंस होता है या कुछ भी होता है तो ऑडियंस रहती है और जजेस रहते हैं बराबर। लेकिन कोविड की वजह से इस टाइम जो एक्स फैक्टर हो रहा है यूएस में, उसके अंदर जजेस बैठे हैं और पीछे जो ऑडियंस है जो देखती है वो लोग सब स्क्रीन्स पे, टीवी के स्क्रीन्स है। ये ऑलरेडी उसके अंदर बता दिया है, वो भी 4 साल पहले, कि होने वाला फ्यूचर में ऐसा। और इसकी वजह से उसने क्या बताया है कि जो भी फ्यूचर में रहेगी सब पॉपुलर रहेगी, कोई ऐसा एक इंसान नहीं रहेगा जो पॉपुलर नहीं रहेगा, और जो पॉपुलर नहीं रहेगा उन लोग स्लेव्स में माने जाएंगे, जिन लोगों को काम करना पड़ेगा उन लोग के लिए जो पॉपुलर है, और जो पॉपुलर है उन लोगों को तो सब फ्री मिलते रहेगा, सब गवर्नमेंट की तरफ से मिलते रहेगा। और ये हो सकता है पॉसिबल क्योंकि आपको जमाने में टिकटॉक पे इस टाइम हर जान फेमस हो रहा था जब बैन होने वाला था उसके पहले, अब बैन हट जाएगा फिर से लोग उस पर आ जाएंगे। ऑफकोर्स छोड़ो टिकटॉक, छोड़ो यूट्यूब पे, सब लोग को अभी एक ही चीज़ पड़ी है जो भी हमारे टीनेजर यंगस्टर्स आ रहे हैं कि हमें फेमस होना है। पैसे का मतलब इतना नहीं देख रहे लोग, लोग देख रहे हैं कि हमें फेमस होना, और कुछ भी नहीं देख रहे। अभी आप भी वही सोच रहे हैं कभी ना कभी मैं भी यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊँ, या दुआ हुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि सबके माइंड में एक ही चीज़ आ गई, फेम। वो फेम चीज़ आप लोग को ख़त्म कर देगी, उसके अंदर बताया गया। और जो बेचारे जो गरीब लोग रह गए और जो बच जाएंगे उन लोग का क्या होगा? उन लोग के बारे में सोचो आप कभी, उन लोग के पास तो ऐसे आपके जैसा टेक्नोलॉजी नहीं रहती, मेरे जैसा एसी में बैठ रहा हूँ मैं, उन लोग के पास एसी भी नहीं रहता, उन लोग कैसा वीडियोज बनाएंगे? थोड़ा सोच के करो ये सब। एक एपिसोड तो इतना अच्छा लगा मुझे, मेरे को लगता है ये फ्यूचर में ऑलरेडी, मेरे को तो लगता है ये आ गया है, मगर अभी डिस्क्लोज नहीं किए गवर्नमेंट ने। उसके अंदर बताया गया है कि जब आदमी मरने वाला होता है तो उसकी ब्रेन की सब चीज़ें निकाल के वो लोग एक चिप में स्टोर करके आई क्लाउड मतलब क्लाउड में डाल देते। अब वो क्लाउड में डाल देते, क्लाउड डाटा में डाल देते, तो मतलब आप मर गए हो लेकिन आपका ब्रेन ऑलरेडी चल रहा था, आपको लगेगा आप ब्रेन में आ गए हो, मतलब उधर एक्सटर्नल लाइफ में आ गए, और आपकी एक्सटर्नल लाइफ पैसे के थ्रू चलेगी, जितना पैसा आप देंगे उतनी लग्जरी आपको मिलेगी। अभी समझ जाओ उसके अंदर बताया गया है कि एक आदमी मर रहा है, उसके पास लाख मिलियन डॉलर्स है, वो मिलियन डॉलर्स उसने ऑलरेडी दे दिया, बोला मेरे को मर रहा हूँ मैं, मेरे को उधर ही रहने का आप लोग में, तो लोग मिलियन डॉलर्स का सब सेटअप करके देंगे, पूरा ये हो जाएगा वर्ल्ड का सिस्टम। उसमें बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो जो मतलब जिन लोगों का पैसे नहीं है, समझो 5-10 डॉलर है, उन लोग को जाने का लोग भी जा सकते हैं, मगर उन लोग रुक जाएंगे, अटक जाएंगे वहाँ पर, जैसे लैग होने लगेगी, कुछ भी होने, इसलिए डेटा इतना महंगा हो गया है। और अभी तुमको मालूम है रिलायंस ने आप थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि डेटा इज द ब्लैक गोल्ड, तो क्यों बोला था? शायद उन लोग डेटा जमा कर रहे ऊपर स्पेस में, कुछ क्लाउड्स बना रहे या कुछ कर रहे। आप लोग देखेंगे तो हर जान जितने भी बिलियनर है सब इस पे ही काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? कुछ तो होएगा इसके अंदर। बहुत जन कितने जो साइंटिस्ट है और कितने जो इंटेलिजेंट जान है उन लोग ने ऑलरेडी कह के गए कि हम लोग मरेंगे तो हम लोग को है ना एक आइस चेंबर में डाल देना जब तक न्यू जनरेशन नहीं आवे या कुछ ऐसा नहीं आ जावे कि हम लोग रीबॉर्न हुए। और कितने जन ऑलरेडी आइस चेंबर में है अभी भी। कहते जो वॉल्ट डिज्नी उसने फ्रोजन मूवी क्यों लिखा? आप लोग को एक कॉन्स्पिरेसी बता दो, उसने फ्रोजन मूवी क्यों लिखा बताओ? क्योंकि जब गूगल पे सर्च करते हैं ना फ्रोजन बाय वॉल्ट डिज्नी तो अभी वो मूवी आती है, लेकिन पहले आता था कि जो वॉल्ट डिज्नी का ओनर है वो मर गया था, उसको फ्रोज कर दिए क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी मेमोरी ऊपर चले जाए फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जावे, और वो लिखेला आता था गूगल में, इसलिए लोग ने फ्रोजन मूवी करके एक निकाले फ्रोजन। तो कभी भी आप फ्रोजन बाय वॉल्ट डिज्नी लिखेंगे तो वो चीज़ आएगी, और वो नहीं आएगी कि बताया गया कि उनको फ्रोज क्यों किया गया। ये सब कॉन्स्पिरेसी है, आप लोग को समझना चाहिए ये सब के बारे में, और ये सब मेरे को लगता है फ्यूचर में ऑलरेडी आने वाला है 100%। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा 5G के बारे में। अभी 5G के बारे में तो आपको मालूम ही होगा इतना डेंजरस है ये 5G, लेकिन कोई भी बता रहा नहीं है इतना डेंजरस है। सब लोग बोल रहे हो कि इतना इंटरनेट स्पीड हो जाएगा आपका, इतना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर क्या आपको मालूम उसकी रेज इतनी स्ट्रांग रहती है? अगर छोटे बच्चे ना उसके साथ मतलब थोड़ा टाइम अगर 2-3 घंटे उनके पास रख दो उनको हार्ट में प्रॉब्लम होने लगेगी। छोटे ही बच्चे नहीं जो बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं उन लोग को भी वैसा होने लगेगा।
तो सोच लो ये इतना डेंजरस है, ये आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है, बोलते इतनी उसकी वेव्स। अभी भी जो आप यूज कर रहे हैं वाईफाई राउटर और ये सब नेटवर्क है, वो नेटवर्क का है, आपको तो दिख रहे नहीं है मगर वो घूम रहे, उसकी रेज घूम रही है। अभी जितने ज्यादा नेटवर्क रहते हैं कहते हैं उतना आपको ज्यादा गुस्सा आता है, वो होता है। इसलिए कहते हैं कि आपको है ना, आपके पास एक जो चिप हमेशा आपको खुश रखती है, वो चिप का नाम मेरे को याद नहीं है, मेरे को मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पर बाय कर सकते हैं, अमेजोन पे मिलती है ऑलरेडी। कितने जन मुझे कह रहे थे जब मैंने रील्स पे डाला था या टिकटॉक पे डाला था, मेरे को याद नहीं है कि फुरकान वो चिप कहाँ मिलेगी, तो अमेजोन पे मिलती है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं नीचे लिंक डालूंगा या फ्लिपकार्ट की जो भी लिंक डालूंगा, आप जाके वहाँ पर बाय कर सकते हो ऑलरेडी। अभी आप कह रहे कि फुरकान ये तो बहुत फ्यूचर की बात है, इतने फ्यूचर में हम लोग रहते नहीं रहते जिंदा, हमको कैसा मालूम। मैं आप लोग को बताता हूँ, आपके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, बराबर, वो मोबाइल फ़ोन को आप 2 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, या 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम नहीं छोड़ सकते, आप ढूंढने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठ गया कि मेरे को मोबाइल फ़ोन चाहिए। मोबाइल फ़ोन आपका एक ऑर्गन जैसा हो गया, ह्यूमन ऑर्गन जैसा, वो नहीं रहेगा तो आपको नहीं चलेगा। अभी चलो ये सब हो गया, अगर सोचो अगर हैकर्स लोग आपका डेटा ऑलरेडी चुरा रहे हो, आपको मालूम नहीं है, तो ये कितना बड़ा डेंजर है आपके लिए, मालूम है? आपका डेटा, आपका बैंक अकाउंट, आपका फ़ोन नंबर, आपके मैसेजेस, आपका जो भी काम होता है बिजनेस का, वो सब उन लोग को जा रहा है, और लोग ब्लैक मार्ट में, मतलब जो डार्क वेब रहता है उसमें लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं ये सब, और लोग खरीदने वाले खरीदते, ऐसा नहीं है कि भाई बेच रहे तो कौन खरीदेगा, खरीदने वाले लोग खरीदते, ये सब खरीद के आपको ब्लैकमेल कर सकते। इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ भी चीज़ करो तो सोच समझ के करो, कोई भी ऐप डाउनलोड करने का है तो सोच समझ के करो, सब स्टडी करो उसके बारे में, ये इतना आसान नहीं है कि आपने डाउनलोड कर दिया यूज़ करना चालू कर दिया। इसलिए कहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर भी इतना रिसर्च कर रहे, जितना मेरे को नॉलेज है टिकटॉक पे इतना है नहीं, इल्ज़ाम जो लगा रहे, क्योंकि अगर होता तो गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से पहले ही उन लोग ही निकाल देते डेवलपर्स, क्योंकि उन लोग देखते जो ऐप्स बेटर है वही करते। अभी थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं गूगल प्ले स्टोर से हम नहीं डाउनलोड करते, हम गूगल पे सर्च करते हैं APK फाइल, वो APK फाइल बहुत डेंजरस रहती है, इसलिए एंड्रॉयड बोलता है कभी नहीं डाउनलोड करना चाहिए, आईफोन तो अलाउ ही नहीं करता है, फिर भी लोग डाउनलोड करते। सोचो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, डेटा को इतना क्यों प्राइवेसी, कितना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे 2020 में, क्योंकि फ्यूचर में लोगों को मालूम है कुछ आने वाला है ऐसा जो हमारे डेटा के थ्रू है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और मेरा स्नैपचैट पे मुझे फॉलो करो, मेरा स्नैपचैट का यूज़र नेम है फुरकान एबानी, नॉर्मल है ये तो कोई भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, रील्स डालता हूँ मैं, मौज पे फॉलो करो, सब जगह फॉलो करो, क्योंकि मैं सब जगह भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रही है मेरे को, शॉर्ट्स पे भी डाल रहा हूँ, एवरी मतलब जिधर आप लोग बोल रहे हो उधर डाल रहा हूँ। मेरे को कमेंट्स करो, और जितने भी कमेंट्स को मैं पिन करूँगा उसके ऊपर टॉपिक्स बनाऊँगा मैं, अभी मैंने ये सोच लिया हो, क्योंकि जो लास्ट टाइम मेरे को प्रीमियर पे मेरे एक जन ने मेरे को कमेंट किया था, मैं भूल गया, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था उस पर, मगर मैं भूल गया, और मेरे कमेंट्स में ऑलरेडी है ही नहीं वो, क्योंकि उसने प्रीमियर पे किया था रिप्लाई। अगर आप प्रीमियर देख रहे हो तो मज़ा आएगी नहीं वीडियो में, अगर मज़ा आई तो प्लीज़ वापस से लाइक करो, शेयर करो लोगों को प्लीज़, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरा फ्यूचर कैसा ब्राइट रहेगा, मेरा फ्यूचर ही ब्राइट नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है। और बस इंजॉय करो, और थोड़ा डेटा पे आप कंट्रोल करो और देखते रहो, क्योंकि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये लिजर्ट विजर्ट तो बाद में आएंगे, डेटा पहले देख लो, क्योंकि लोग के हाथ में तो नहीं है डेटा।